जनपद नैनीताल में फागोत्सव की तैयारी को लेकर शुक्रवार को श्रीराम सेवक सभा के पदाधिकारियों द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजित पत्रकार वार्ता में श्रीराम सेवक सभा के तत्वाधान में 28वें फागोत्सव कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। इसके तहत ही श्रीराम सेवक सभा के सचिव जगदीश बवाड़ी ने बताया कि इस वर्ष राम सेवक सभा का 28वां फागोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें 24 महिला होंगी दल में हिस्सा लेंगी। साथ ही इस वर्ष फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय के अतिरिक्त के 3 सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। नैनीताल से तेज सिंह का की रिपोर्ट। इस वर्ष जो है प्रत्येक वर्ष की तरह स्कूली बच्चों के लिए भी है, छोटे बच्चों के लिए भी कार्यक्रम है, बड़ों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी कार्यक्रम है। बहुत सारा कुल मिला के जो है क्षमता का प्रयास ये रहता है कि हम अपनी संस्कृति को अक्षुण रखें, इसको और आगे बढ़ाएं। तो इसलिए बच्चों का स्वांग भी इस वर्ष रखा गया है, हर वर्ष रखते हैं। इस वर्ष उसमें विशेष विशेष हमने जो है बच्चों को तैयार किया है। और इस वर्ष जो है जो मुख्य रूप से राम सेवक सभा द्वारा एक कार्यशाला यहाँ पर लगाई गई थी, जिसमें 25 छोटे छोटे बच्चों द्वारा जो है राधा कृष्ण की बोली बहुत आकर्षक रूप में यहाँ पर प्रस्तुत की जाएगी। तो इसी तरीके से हम जो है इस वर्ष जो है महिलाओं के द्वारा एक खड़ी होली का भी यहाँ पर आयोजन किया जाएगा।